एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से मैं आपके लिए एक नया हॉल लेकर आई हूँ, मीशो हॉल लेकर आई हूँ मैं फर्स्ट टाइम। और मैंने फर्स्ट टाइम मीशो से शॉपिंग भी की है, तो मुझे बहुत मजा आया। लेकिन मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ है मीशो से। जैसे मैंने बहुत तारीफ सुनी थी कि मीशो, मुझे उतना भी कुछ खास नहीं लगा। कपड़े के हिसाब से अगर देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन सर्विस मीशो की बहुत बेकार है। जैसे कि मैंने 5 कपड़े मैंने ऑर्डर किए थे, 1x1 करके ऑर्डर किए थे, जिसमें से 2 ऑलरेडी सप्लायर के पास जा चुके थे। और मुझे सप्लायर के पास जब जा चुके हैं तो मैं जब कंप्लेन कर रही हूँ तो मेरी कंप्लेन काफ़ी टाइम के बाद ली जा रही है। और मुझे 2 कपड़ों का अभी तक रिफंड नहीं आया है, जिसका प्रोसेस चल रहा है। उनको जब भी बोलो वो बोलते हैं प्रोसेस चल रहा है। तो सर्विस के हिसाब से मैं थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई हूँ मैं थोड़ी सी। मुझे इतना भी कुछ खास नहीं लगा है मीशो से, क्योंकि जो हम मीशो से खरीदते हैं वही हम मिंत्रा फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। बस थोड़ा ये है कि कॉस्ट के उसमें थोड़ा सा, प्राइस के उसमें थोड़ा सा फर्क है, ज़्यादा भी नहीं है। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने 3 कपड़े मैं आज आपको दिखाऊंगी, 3 सूट लिए थे मैंने मीशो से, मैं वही आपको दिखाने वाली हूँ आज। तो जो मैं फर्स्ट आपको सूट दिखाऊंगी वो मैंने ऑर्डर किया था चिकनकारी कुर्ता, और बहुत ही प्यारा कलर है। जैसे कि मैं चिकनकारी कुर्ती मेरे पास बहुत कम थी, मेरे पास ज़्यादा नहीं थी, और जो मैंने कलर ऑर्डर किया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि और वैसे भी येलो कलर इज़ माय फेवरेट कलर। तो मैंने ऑर्डर किया है चिकनकारी कुर्ता, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है जिसका मुझे ये मिला है, नीचे उन्होंने मुझे एक नीचे दिया है जिसको आप अंदर पहन सकते हो। पहले आपको ये पहनना है, इसकी लेंथ भी आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी, साइड से आपको कट मिल जाएगा। तो ये आपको अंदर ऐसे दिया गया है पहनने के लिए, ऊपर से आपको दिया जाएगा चिकनकारी कुर्ता। तो मुझे काफी अच्छा लगा, जैसे आप देख रहे हो इसका ये भी नहीं निकला है अभी तक, तो चलो मैं निकाल देती हूँ। तो ये दिया जाएगा आपको, और इसके जो इसकी ये क्या बोलेंगे इसको, एम्ब्रॉयडरी, यस, चिकनकारी जो एम्ब्रॉयडरी है ये बहुत ही अच्छी लग रही है, येलो के ऊपर व्हाइट। जॉर्जेट कपड़ा है, और साइड से आपको कट मिल जाएगा, और इसके नीचे मैं व्हाइट लेगिंग पहनूंगी, और व्हाइट लेगिंग, व्हाइट प्लाजो, व्हाइट शरारा, व्हाइट पैंट्स, आप कुछ भी पहन सकते हो, बट मैं इसके नीचे व्हाइट लेगिंग पहनूंगी। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये जॉर्जेट कपड़ा है और बहुत प्यारा कलर है। और इसके ऊपर आप ज्वेलरी पहन सकते हो, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, और कानों में पहन सकते हो बड़े बड़े झुमके, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, बहुत ही प्यारा लगेगा। और मैं हर वीडियो के बाद, हर कुर्ते के बाद मैं आपको फोटो डाल दूंगी, जहां आप वीडियो डाल दूंगी, जहां आप देख सकते हैं कि वो कैसा लग रहा है, उसका लुक कैसा आ रहा है, मैं हर वीडियो के बाद डाल दूंगी, तो आप उस पर नज़र डालिएगा। तो ये है चिकनकारी, येलो चिकनकारी कुर्ता, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि मेरा फेवरेट कलर है, और मैं इसको अभी तक मैंने इसको पहना नहीं है। जब आया था तो मैंने फिटिंग विटिंग देखी थी, मुझे परफेक्ट आई है, और बट वैसे मैं कहीं पहन के बाहर नहीं गई हूँ, तो इसको भी मैं किसी ओकेजन में पहनूंगी बहुत जल्द। तो ये था मेरा फर्स्ट कुर्ती, आप आराम से बाय कर सकते हो, और आपको इसका प्राइस भी बहुत ही अच्छा है, 500 के अंडर आपको मिल जाएगा, तो बहुत ही अच्छा है। तो आप भी बाय करिए और जरूर पहनिए। मैं दिखाने जा रही हूँ वो है ब्लैक कलर की, और इसके ये है ब्लैक कलर का कुर्ता आपको दिया जाएगा, और साइड से कट है, और इसके नीचे आपको ऐसा ये पूरे में नीचे मिल जाएगा जो ऊपर से लगाया गया है, इसका प्रिंट है और मिरर वर्क है,
और आपको गले पे नेक पे ऐसा मिल जाएगा, तो इतना प्यारा ये नेक पे लगता है पहन के कि इसके ऊपर अगर आप गले में कुछ ना भी पहनिए तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये ऑलरेडी ऐसा रहता है, ऐसा रहेगा तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। बस आपको इसके ऊपर गोल्डन कलर के झुमके आप बड़े बड़े पहन लीजिए तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। और इसके नीचे आपको दिया गया है ब्लैक प्लाजो जिसपे फुल प्रिंट है और लास्टिक है अच्छी सी, आपको लास्टिक मिल जाएगी अच्छी सी, ये पूरे उसमें आपको प्रिंट, ये गोल्डन कलर का प्रिंट है जो बहुत ही अच्छा लुक देता है। और कपड़ा ये रेयॉन है, मैं बहुत आराम से आपको बता देती हूँ, ये कॉटन नहीं है, ये रेयॉन है, बट मुझे इसका कलर और इसका जो ये प्लेन है पूरा और नीचे और ऊपर आपको ऐसा प्रिंट मिल जाएगा जिसकी वजह से मैंने बाय किया है। और इसको मैंने एक बार पहना भी है बाहर, एक ओकेजन पे मैंने इसको पहना था, आपको स्लीव्स पे भी ऐसे मिल जाएगा जिससे बहुत ही अच्छा लुक आता है। आप इस पे गोल्डन कलर के झुमके पहनिए और गले में कुछ मत पहनिए क्योंकि गले में ऑलरेडी इतना ब्रॉड आपको ये प्रिंट दिया गया है जिससे बहुत ही अच्छा लगता है आपका नेक। और बस ये है, और आप इसको पहनिए और बहुत अच्छा लगेगा आप पे ये। थोड़ा सा इसको आप पार्टी वार्टी में भी पहन सकते हो, जैसे कोई फंक्शन हो तब पहन सकते हो, जैसे किसी भी ओकेजन में आप पहन सकते हो, क्योंकि इसका ये जो प्रिंट है ये बहुत ही अच्छा इन्हांस कर देता है इस पूरे इसको गोटा पट्टी, और ये गोटा पट्टी है, मैं आपको बता दूं ये गोटा पट्टी से ये लगाया गया है जिससे ये नेक और नीचे और स्लीव्स पे लगाया गया है जिससे पूरा कुर्ते को आप ये इन्हांस कर देता है। और प्लाजो पे पूरा प्रिंट दिया हुआ है, मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो ये है मेरा सेकंड कुर्ती और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, आप भी बाय कर सकते हो। ये जो भी मैं आपको तीनों कुर्ते आज दिखाने वाली हूँ, ये तीनों के तीनों 500 अंडर 500 रुपीज के बीच में है, तो आप भी बाय करिए और आप भी पहन सकते हैं। वाली हूँ वो ऑलरेडी मैंने पहना हुआ है, ये भी चिकनकारी है, ब्लैक चिकनकारी है, और जैसे आप देख रहे हो इसका पूरा चिकनकारी का वर्क हो रखा है। स्लीव्स पे आपको वर्क मिल जाएगा और पूरे कुर्ते पे भी मिल जाएगा, इसके अंदर भी आपको जैसे येलो वाले को मैंने आपको दिखाया था अंदर कपड़ा दिया गया है जिसको आप अंदर पहनेंगे, सेम इसके अंदर भी आपको कपड़ा दिया गया है। और ये सिर्फ कुर्ती है, इसके नीचे आप व्हाइट कलर का प्लाजो पैंट्स लेगिंग कुछ भी पहन सकते हैं। मैं इसके नीचे व्हाइट प्लाजो पहनती हूँ जो कि वो प्लाजो में भी, वाइट प्लाजो में भी पूरा पूरा चिकनकारी वर्क है, तो मैं वही पहनती हूँ इसके नीचे और बहुत अच्छा आता है। और इसके ऊपर मैंने, जैसे आप देख रहे हो, मैंने ऑलरेडी ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनी हुई है, गले में मैंने नहीं पहना है क्योंकि गले में मैंने ऑलरेडी एक लॉकेट पहना हुआ है, पेंडेंट पहना हुआ है, तो आप भी इसको पहन सकते हैं और बहुत अच्छा लगेगा। ये चिकनकारी कुर्तीज ऐसी है ना कि आप कभी भी पहनिए तो बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली समर हो और आप चिकनकारी कुर्ती पहन के बाहर निकल जाए तो और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये इतना लाइट वेट होता है, ऐसा लगता ही नहीं कि आपने कुछ बहुत हैवी सा पहना हुआ है। यही एक खासियत है चिकनकारी की कि ये बहुत लाइट वेट रहता है, जॉर्जेट कपड़ा रहता है, बहुत हल्का सा आपको लगेगा पहन के, और ये इतना नॉर्मल सा एक चिकनकारी वर्क रहता है ना, और उसके ऊपर आप ज्वेलरी पहन ले तो पूरा का पूरा परफेक्ट लगने लग जाते हो। तो आप भी इन तीनों में से कोई भी बाय कर सकते हो, और ये तीनों कुर्तीज जो भी मैंने आज आपको दिखाई है, इन तीनों कुर्ती से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और बस मुझे मीशो से थोड़ी सर्विस की मुझे थोड़ा सा कमी लगी, और बाकी मैं मीशो से हैप्पी हूँ। आपको
पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और प्लीज अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए मेरे वीडियोस। और प्लीज 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 सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, मैं देखती हूँ ना तो बहुत से लोग हैं जो मेरे चैनल को देखते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, बट उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, तो जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अब मैं चलती हूँ, फिर से मिलूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक आप मेरे वीडियो शॉर्ट्स देखते रहिए और लोगों से शेयर करते रहिए। सो फिर से मिलूंगी, सो बाय, टाटा, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी, बाय।